वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने देखा, आज मैं प्ले कर रही हूँ सन सन एन सन अशोका मूवी से सॉन्ग, जो बहुत ही ट्रेंडिंग है आजकल। आज मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे बजाना है। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप इसको बजाना सीख जाएंगे। 5 मिनट में आप इस गाने को आप बजा लेंगे। आप मेरा वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। कौन से नोट्स, कौन से सरगम इस गाने में आएगी मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो गाने का शुरू होता है सन सन न सन। देखिए कैसे बजेगा। पहली लाइन है सन सन न सन 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 न न न सारे सनी पानी में बजाना है सी शार्प डी शार्प फिर दोबारा सी शार्प फिर जी शार्प। सारे सा सा पा एक बार दोबारा देखिए सन सन न न न सन सन न न। अब जो दूसरी लाइन है जरे 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 पवन बड़ा देखिए जरे 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 पे आपको बजाना है। 3 बार आपको सी शार्प प्रेस करना है यानी कि सा। जरे रे पे आपको डी शार्प यानी कि रे। जरे 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 सी बी जी बी शीशा बी फिर जी शा फिर बी। सानी पानी जारी पवन अब जो नेक्स्ट लाइन है फ्रेंड्स देखिए वो कैसे बजेगी। नेक्स्ट लाइन है ऐसा कोई ऐसा कहीं कोई नहीं देखिए कैसे बजेगी। सा 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 गा सा ऐसा कोई ऐसा कहीं कोई नहीं कोई नहीं डी 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 एफ डी रे 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 मारे जो आगे की लाइन है फ्रेंड्स इसको अच्छे से समझिएगा। थोड़ी सी है टिपिकल पर आप अच्छे से इसको अगर देखेंगे तो समझ पाएंगे। दोबारा से बजाती हूँ मैं इसको। ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन थोड़ा सा टिपिकल है देखिए दोबारा से। ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो हम इस पे क्या बजाना है जी शार्प ए फिर सी फिर सी शार्प ठीक है। ऐसा हो तो शायद मैं आपको ब्रेक कर करके बता रही हूँ ताकि आप आराम से बजा पाए। ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन ठीक है। अब आगे की जो लाइन है वो देखते हैं वो कैसे बजेगी। ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन फिर इसी ट्रैक पे हमें लौट के आना है जैसे हमने बजाया था जब हम लोअर से हायर ऑक्टेव की तरफ गए थे। अब हम हायर से लोअर ऑक्टेव की तरफ आएंगे। ऐसा हो तो शायद मैं कर लूं मिलन दोबारा देखिए। ऐसा हो तो इस पे हमें बजाना है पापा
यानी जी शार्प जी शार्प फिर जी। शायद मैं कर लूं मिलन, कर लूं मिलन। सी ए जी, दोबारा देखिए। अब जो नेक्स्ट लाइन है इसमें दोस्तों हमें एक ही की को जल्दी जल्दी प्रेस करना है 2-3 बार, तो उसको अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देख बताती हूँ मैं आपको। हाय से लोअर ऑक्टेव की तरफ हमारे, स्लोली बताती हूँ आपको मैं। अब इसको फास्ट बजाएंगे तो कैसे बजेगा? हमें एक सुर को छोड़ते जाना है, जैसे हमने बजाया जी शार्प फिर जी, तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, फिर जी पे और ई पे बजाएंगे, फिर हम जी को छोड़ देंगे, फिर हम ई के ऊपर आएंगे। तो ऐसे एक एक स्टेप हमें छोड़ते जाना है। जो नेक्स्ट लाइन है देखिए कैसे बजेगी। इस पे हमें क्या करना है, लोअर ऑक्टेव का धा यानी कि ए और हायर ऑक्टेव का ए यानी कि धा, सेम नोट है पर लोअर और हायर ऑक्टेव के दोनों नोट सेम बजेंगे। जा जा रे जा, इस पे हमें ये बजाना है। जारी पवन जारी पवन यानी जी शार्प ए फिर दो बार बी फिर जी शार्प। फिर जारी पवन जा 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 जा। जारी पवन फिर सेम है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के संग, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।